गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली लेकर पहुंची है पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई को खरड़ CIA दफ्तर में लाया गया। मूसेवाला मर्डर केस में लॉरेंस से होगी अब पूछताछ और लॉरेंस बिश्नोई की आज बांसा कोर्ट में पेशी भी की गई थी। पंजाब पुलिस की 7 दिन की रिमांड पर फिलहाल है लॉरेंस बिश्नोई और 29 मई को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। पंजाब पुलिस को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल गई है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज सुबह 4 बजे मानसा कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पंजाब पुलिस ने 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने गैंगस्टर को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया। कोर्ट के आदेश के बाद लॉरेंस बिश्नोई को भारी सुरक्षा के बीच मोहाली लाया गया। लॉरेंस को पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाया और 2 दर्जन गाड़ियों और 100 पुलिस कर्मियों के साथ पंजाब पुलिस मोहाली पहुंच गई, जहां उससे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ करेगी। दरअसल मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मानसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब पुलिस का आरोप है कि मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही शामिल था। लॉरेंस बिश्नोई को इस वक्त अपने एनकाउंटर का डर सता रहा है। इसी खौफ के चलते वो तिहाड़ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन आखिरकार पंजाब पुलिस को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से लॉरेंस की 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है और वहां से लॉरेंस बिश्नोई को 5 लेयर सिक्योरिटी में लेकर पंजाब पुलिस मानसा के लिए रवाना हो गई है।